हेलो फ्रेंड्स। तो हम अब एक जो लेटेस्ट राउंड हुआ है कोड फोर्सेस राउंड 570 डिवीजन 3, उसका फर्स्ट क्वेश्चन लाइक रीड करेंगे कि क्या करना है उस क्वेश्चन में। तो सबसे सबसे ए ए क्वेश्चन है, तो सबसे आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का नाम है नियरेस्ट इंटरेस्टिंग नंबर। तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सिंपली बस यही बोल रखा है कि हमें एक नंबर गिवन होगा, उस नंबर से उस नंबर के नियरेस्ट और लार्जेस्ट इक्वल नंबर निकालना है जो कि 4 से डिविजिबल हो। इस जिस 4 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं, सॉरी, उसके सम ऑफ द डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो बस। तो हमें जैसा कि आपको पता है, अगर मेरे पास कोई नंबर है 484, तो मैं इनका सम करूँगा। अगर इस नंबर के डिजिट्स का सम करूँगा तो 4 + 4 8 + 8 16 होता है। तो 16 4 से डिविजिबल होता है। तो बस ऐसे हमें जितने भी नंबर हैं उन सब नंबर्स को देखना है कि क्या वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो राइट कोड पे आते हैं। तो मैंने बस यही किया है कि पहले उस नंबर का इनपुट ले लिया, और क्योंकि इसी कंस्ट्रेंट्स जो है वो सिर्फ 1000 तक ही हैं, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि अगर मैं 1000 लूँगा तो 1000 तो नहीं डिवाइड होगा, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आगे तक ले लिया नंबर। और मैं उस नंबर से, जो कि ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए नंबर, एक नंबर ले लिया। फिर मैंने एक्स लिया, उसमें वो नंबर स्टोर किया, और सम ऑफ डिजिट्स करने के लिए सम 0 लिया। और फिर मैं उस नंबर की, जो नंबर जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर 484 था, उसको एक्स में स्टोर किया। 484 से स्टार्ट होगा, एक्स में उसको स्टोर किया और उसका सम ऑफ डिजिट्स निकाला। कैसे सम ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए सिंपल तरीका ये है, हम पे सबसे पहले उस डिजिट का लास्ट डिजिट निकालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मुझे इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालना हो तो मैं सबसे पहले इसका लास्ट डिजिट निकालूंगा। वो कैसे निकालूंगा, इस पूरे नंबर का मॉडुलस बाय 10 करूंगा, और उसके बाद उस नंबर को ऐड कर दूंगा सम के अंदर जहाँ मैं सम कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक सम है जो मैं, जहाँ पूरा सम स्टोर होगा, मैंने उस नंबर का लास्ट डिजिट निकाला जो कि के में स्टोर होगा। जैसे 4 आया, के में 4 स्टोर हो गया, मैंने सम में 4 स्टोर कर दिया, और फिर उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया। ये तब तक चलेगा जब तक वो नंबर 0 ना हो जाए, और इस तरीके से पूरा सम आ जाएगा। और मैं फिर सम का बस मॉडुलस 4 करूँगा, अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो बस मेरा वही आंसर है, मैं ब्रेकआउट कर लूँगा। बस यही कोड है इसका। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।